नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए विषय पर बात करना चाहेंगे कि ये कांग्रेस में की बीमारी क्या है। लेट अस डायग्नोस कि वो क्या बीमारी है कांग्रेस में, क्योंकि अभी परसों उनकी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव, जिनको मैं क्योंकि ज़्यादातर जगह पेपर में लिखा फॉर्मर एमपी थी, लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि वो जो आधी आबादी की वो महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, तो मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास थी और उसको वो जो भी मतलब कांग्रेस का उनके ऊपर विश्वास था क्योंकि काफ़ी दिनों से थी। और उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस छोड़ने के बाद जैसा आपने भी देखा कि वो दो चार घंटे के बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब इस पर ये चर्चा करें कि ये लोग क्यों छोड़ रहे हैं या ये कांग्रेस को हो क्या गया है, क्योंकि कांग्रेस की बीमारी भी कोई समझ में नहीं आ रही है। जैसे किसी को हो जाए ना कि भाई जनता दल की बीमारी समझ में आती थी, जनता पार्टी की बीमारी समझ में आती थी, सबकी बीमारी समझ में आई, लेकिन कांग्रेस की बीमारी थोड़ी समझ में नहीं आती है। क्योंकि ये कहा जाता ना कि कांग्रेस तो अब डूबता हुआ जहाज है। इन सब चीज़ों से जितिन प्रसाद छोड़े, फिर सिंधिया छोड़े, अब सोच लो तो डूबता हुआ जहाज है। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि कांग्रेस वो एक ऑस्ट्रेलियन ग्रास या कांग्रेस ग्रास। गांव में अगर आप जाते हो तो एक परथेनियम नाम का एक प्लांट होता है जो वाइल्डली हो जाता है, मतलब उसका बीज कहीं वो डॉर्मेंट पड़ा रहेगा, जरा सा पानी एक बौछार भी उसको मिली वो वाइल्डली, वो इतना उसके भयंकर। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि ये जो कांग्रेस की प्रवृत्ति है वो उसी, इसीलिए उसका नाम कुछ लोग कांग्रेस ग्रास भी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आइए थोड़ा आपको कांग्रेस का एक, क्योंकि कुछ नैरेटिव कुछ हम लोगों को कि भाई ये तो गांधी परिवार की पार्टी है, फिर कुछ लोगों को कि अरे ये तो अब आएगी ही नहीं, ये तो इसको बिल्कुल फिनिश कर दिया गया, मोदी जी आ गए, ये सब इत्यादि इत्यादि। तो वो थोड़ी सी एक मैं साथ में आपको मैट्रिक्स भी दिखाऊंगा और उसको थोड़ा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अभी तक लोकसभा के कुल 17 चुनाव हुए हैं। पहला चुनाव 1952 में पहली लोकसभा का था और ये 2019 में 17वीं लोकसभा का था, तो 17 चुनाव हुए हैं। उस 17 चुनाव में 14 चुनाव में जो वोट परसेंटेज होता है, जो वोट्स पड़े टोटल, उसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज कांग्रेस को मिले हैं। उसको देखिए, ये तो स्टैटिस्टिशियन होता है कैसे इंटरप्रेट करता है, लेकिन बाकी दलों के मुकाबले जो भी दल इलेक्शन लड़ रहे थे सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले 14 इलेक्शन में। सीट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं वोट की बात कर रहा हूँ। अब दूसरा एक और चीज़ समझ लीजिए कि मैक्सिमम सीट्स की बात हो रही है। कब कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का क्या कहां रही और क्या नहीं। अभी ये ऐसा कहा जा रहा है कि 303 सीट आई है और 2019 में मोदी साहब की, और जैसे आप किसी भी टीवी चैनल पे चले जाइए कुछ साहब हमें बिल्कुल इस समय अथॉरिटी मिल गई है, हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हम जिसको कहते हैं ना हम वी हैव द अथॉरिटी, और वो हर चैनल होता है कि हम लोग जीत के आए। तो मैं जरा उसको भी जानकारी के लिए आपके बता दूं कि 1984 में राजीव गांधी 414 सीट जीत के आए थे, अभी से 111 सीट और ज़्यादा। और ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि उस अच्छा उनका वोट परसेंटेज भी 47% था, 47% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, और वो भी सबसे ज़्यादा नहीं था, वो भी सेकेंड, वो मतलब जो कांग्रेस को जो हाईएस्ट वोट मिले हैं उसमें भी वो दूसरे नंबर पे थे, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा वोट मैं अभी देख के उसमें बता दूंगा कि उनको सबसे ज़्यादा वोट 1957 में मिले। लेकिन अब एक चीज़ आप ये ज़रा समझिएगा, 84 में राजीव गांधी आते हैं वे 404 सीट्स, प्रचंड बहुमत, 47% ऑफ वोट्स, और 89 का चुनाव हार जाते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अगर कोई अपने को समझने लगे कि मैं इतनी सीट लेके आया हूँ और इनविंसिबल हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगले 50 साल तक, तो अब ये हैं जैसे लोग विमर्श में लोग नहीं कहते हैं कि अरे नहीं नहीं यार अब तो मतलब 10-25-30 साल 2047 तक तो झंडा फहराना ही फहराना है। मैं उस रेफरेंस में इस बात को कह रहा हूँ कि 414 से अगले बार इलेक्शन हार गए थे। दूसरी एक चीज़ और समझने की है कि 1957 में मैक्सिमम वोट शेयर कांग्रेस का हुआ था 48%, और इसको इसलिए भी कंपेयर, इसको एक समझना थोड़ा इसलिए ज़रूरी होगा कि नेहरू को आज जो भी गाली दे रहा हूँ, आज नेहरू को गाली देना भी एक फैशन है, आप मैं मतलब पढ़ते हैं नहीं समझते हैं नहीं लेकिन गाली दे लो, आप
को एक और चीज समझा दूं कि 52 के मुकाबले नेहरू भाई 47 में देश आजाद हुआ, नेहरू सरकार में मंत्री थे ही, 52 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ क्योंकि संविधान हमारा लागू हुआ 1950 में। तो टेक्निकली अगर देखिए तो 57 में नेहरू का 10 साल पूरा हो चुका था प्रधानमंत्री का। 52 का पहला इलेक्शन के बाद जब दूसरा इलेक्शन हुआ तो नेहरू की मतलब कांग्रेस पार्टी नेहरू के नेतृत्व में उसकी सीट भी बढ़ी थी और उसका परसेंटेज भी बढ़ा था। वो 52 में 364 सीट्स थी, 57 में 371 सीट्स आ गई। वोट परसेंटेज भी 45% से 48% हुआ। इसका मतलब लोग संतुष्ट थे 10 साल के शासन के बाद, उनको लगता था कि ये हमें ठीक रास्ते पे ले जा रहे हैं। अब आप जरा इस बार, क्योंकि मैं ये भी इसलिए आपको करूं कि ये भी समझना आपको जरूरी है, अभी 2019 में बीजेपी की जैसे मैंने आपको बताया 303 सीट आई, उसका वोट परसेंटेज है 37.36%। अब जो टोटल वोट चाहिए मैट्रिक्स में आप देख लीजिए, जो टोटल हाईएस्ट वोट्स रूलिंग पार्टी को कभी भी मिले हैं उसमें वोट परसेंटेज के हिसाब से ये 7वें नंबर पे हैं। इससे ज़्यादा 6 बार कांग्रेस को 47.36 से ज़्यादा वोट मिले हुए हैं इन 17 इलेक्शन की मैं जब बात करूँ तब। दूसरा, अभी 303 सीट मिली है और प्रचंड बहुमत है, लेकिन कांग्रेस को इससे पहले 8 बार इससे ज़्यादा सीटें मिली हैं जब कांग्रेस ने सरकार बनाई है। तो ये भी जो एक नैरेटिव बार बार हो रहा है ना कि ऐसा अनप्रेसिडेंट नहीं है, अभी बहुत कवर करना है, और ख़ास करके अगर नेहरू जी को पकड़ना है तब तो बहुत ही कवर करना है। 70 साल हो गए हैं और 2047 तक अगले 25 साल मान लीजिए झंडा और फहराते हैं तो 25 साल में नेहरू को पकड़ना भी होगा। अब एक और चीज़ कर दें कि जो यूपी का इलेक्शन आ रहा है 2022 में, यूपी का विधानसभा इलेक्शन है, और सबको ये लगता है कि भाई ये इलेक्शन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो कांग्रेस साफ हो जाएगी, कांग्रेस का कुछ नहीं रहेगा, 7 सीटें हैं, 2 सीटें हो जाएंगी इत्यादि। कुछ मैं ज़रा उस पर भी थोड़ा आपकी के नज़र के चश्मे को साफ कर दूँ। कांग्रेस को 2019 में 1 सीट मिली, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें लोकसभा के रेफरेंस में हैं, लेकिन 77 और 98 में दो इलेक्शंस में कांग्रेस को 0 सीट मिली थी, 0, यूपी से कोई सीट ही नहीं मिली थी। तो ये जैसे लोग आओ, तो अगर आप प्योरली स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में कहिए तो इससे ज़्यादा ख़राब स्थिति थी। फिर मैं और ख़राब स्थिति और बताऊँ, 2014 में कांग्रेस को 2 सीट मिली थी, राहुल गांधी सोनिया गांधी। 91-96 में, 91 में जब सरकार बनाई थी तब कांग्रेस को 5 सीट मिली थी उत्तर प्रदेश में, और 2004 में फिर 9 सीट मिली थी। 2004 की 9 सीट, 91 में 5 सीट के बाद भी कांग्रेस ने सेंटर में सरकार बना ली थी। तो जो बेसिकली जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसे है ना कि बिल्कुल ख़त्म है, ख़त्म हो जाने के बाद भी अगर वो 5 सीट भी ले आती, 9 सीट भी ले आती तब भी वो सरकार बना लेती है। और मैं एक आपको जल्दी से एक फिगर और बता दूं कि 7 बार अभी तक के 17 चुनाव में 7 बार 10 से कम सीट रही हैं और 9 बार 12 से कम सीट रही हैं कांग्रेस की उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस का भाई ये फैक्ट है कि 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में एक तरह से उनका कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है, उनका कोई पार्टी में ऐसा वो कभी खड़ी ही नहीं हो पाई है पार्टी। अब जो मुझे लगता है कि आज ये राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, या जो भी इनका शीर्ष नेतृत्व है उसको एक चीज़ समझनी होगी, उत्तर प्रदेश पे अब आपको जूनियर पार्टनर के रूप में मानसिक रूप से अपने को मानना होगा कि वी विल बी दी जूनियर पार्टनर्स, और आप अब जो भी आप बनाएंगे उसको, उसकी आप धुरी बनने की कोशिश करिए, उसमें लोगों को एक साथ रखने की कोशिश करिए। अब आप बहुत लीड करने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि अब जो मुझे अभी लगता है कि आज की स्थिति में आपसे बड़ी पार्टी सपा है, बहुत बड़ी, आपसे बड़ी पार्टी यूपी के रेफरेंस में मैं बोल रहा हूँ, बसपा है, लोगों का उधर देखेंगे। दूसरा, आपको थोड़ा बड़ा दिल करना होगा। आम आदमी पार्टी से आप क्यों इतना ज़्यादा वो रहते हैं कि उनको बुलाएंगे नहीं, उनको वो नहीं करेंगे? अरे भाई, आम आदमी पार्टी के साथ आप मिलकर लड़िए, आम आदमी पार्टी बहुत कंफर्टेबल नहीं होगी सपा के साथ, दिक्कत दिल्ली की है ना, आप लड़िए। यहाँ उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी, जैसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी
शायद डायरेक्ट टक्कर दे रही है बीजेपी को, ऐसा अभी एक एक खबर है। ग्राउंड पे क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे भी हरीश रावत को भी मैं बहुत वन ऑफ द बेस्ट कद्दावर नेता जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनका कनेक्ट है, मैं मानता हूँ। तो मेरा ये कि जैसे छोटी पार्टियाँ हैं, आपको शिवपाल से बात करने में क्या दिक्कत है, आपको चंद्रशेखर रावण से बात करने में क्या दिक्कत है, आपको जयंत चौधरी से बात करने में क्या दिक्कत थी, आप अपना इन लोगों को बड़ा रोल दीजिए, बड़े रोल के साथ भी आप पीछे होके इसको ड्राइव भी कर सकते हैं ना। तीसरी बात, प्रियंका गांधी को अपना ये मन बनाना होगा कि उत्तर प्रदेश में आएंगे कि नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश में आना, फिर प्रेस में बोलना कि मैं अपनी बच्ची का एडमिशन कराने जा रही हूँ, मैं अब यूपी में ही रहूँगी अब, लेकिन फिर चले जाना। तो मतलब ये कहीं ना कहीं तो आपको ये सीरियस, अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहती हैं और उत्तर प्रदेश में आप कुछ करना चाहती हैं। दूसरा, राहुल गांधी जी को भी एक चीज़ समझनी होगी कि आप क्या करना चाहते हैं। अभी भाई आप बहुत एक्टिव हो गए, बहुत अच्छी बात हुई, सबने कहा कि बहुत अच्छा है, आप ही चैलेंज कर रहे हैं, आप बिल्कुल रिलेंटलेसली आप सवाल पूछते रहते हैं पार्लियामेंट के बाहर अंदर सब जगह, लेकिन आप सीरियस हैं? क्योंकि देखिए केरल जाके वो केरल आपको, आपकी कर्म भूमि तो उत्तर प्रदेश ही रहेगी। क्योंकि ये याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जैसी नेता, मतलब आज ये कंपेयर करना भी धृष्टता होगी, इंदिरा गांधी जैसी नेता जब 77 का चुनाव हुआ तो यूपी से चुनाव हारी ही नहीं, कांग्रेस की जीरो सीटें थी, 85 में जीरो सीटें, लेकिन वही इंदिरा गांधी ने यूपी छोड़ा नहीं और 80 में 73 सीट लेके आई। तो राहुल गांधी को भी ये कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि वो यूपी जैसे छोड़ ही दिया, उन्होंने ये मान लिया कि यूपी से हमें कुछ नहीं, आपको यूपी में आना पड़ेगा। अब मैं जरा एक चीज आप लोगों के साथ और कर लूं, पोस्ट 1989 के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, 89 के जो उसके बाद के चुनाव हुए हैं, और वो इसलिए क्योंकि आपको भी समझ आए कि ये गेम कुछ ऐसा इतना सीधा सीधा नहीं है। 2014 में कांग्रेस की 145 सीट आई थी और बीजेपी की 138 सीट्स थी, 138, केवल 7 कम। नंबर एक, ये भी याद रखिएगा कि बीजेपी की सरकार थी 99 से 2004 तक, सरकार में बैठी हुई पार्टी थी, 7 सीटें कम थी। जो आजकल होता है ना देन लेन इधर उधर मैनेज, जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो बीजेपी बेटर कर सकती थी, आज तो बेटर करती ही है, उस समय भी सरकार में भी थी और उसके पास बेटर मैनेजर थे, उसके पास उस समय भी प्रमोद महाजन थे। लेकिन क्यों कांग्रेस सरकार बना ले गई, क्योंकि दो चार जो पुराने लोग थे जिसमें वीपी सिंह मुख्यतः, सबसे बड़ी भूमिका वीपी सिंह की, चंद्रशेखर, करुणानिधि, हरकिशन सिंह सुरजी, ज्योति बसु, ये सब लोगों को लगा कि नहीं, आज की स्थिति में देश के लिए सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना ज़्यादा आवश्यक है। और इन सारे लोगों ने सोनिया गांधी को कांग्रेस के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम किए, सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। 7 सीटों के अंतर के बाद भी बीजेपी नहीं बना पाई थी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2009 में ऐसा कहा जाता है कि मनमोहन सिंह का तो पॉलिटिशियन थे ही नहीं और बहुत ही, लेकिन मनमोहन सिंह 2009 में जब कांग्रेस फिर से चुनाव में जाती है तो उसका सीटें भी बढ़ती हैं और उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ता है एज कम्पेयर टू 2004, 145 से 206 और वोट परसेंटेज 26.53 से 28.55, 2% बढ़ाते हैं। और ये सीधे सीधे है कि किसी भी सरकार का एक तरह से ये रिपोर्ट कार्ड होता है कि उसने 5 साल में क्या काम किया है। तो वो चाहे मनमोहन सिंह की कार्यकुशलता कह लीजिए या यूपीए के नेतृत्व की कार्य, क्योंकि उन्होंने एक मतलब एक बहुत थिन मेजोरिटी 145 सीट के साथ, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, इन लोगों ने एक सरकार चला ले गए 5 साल और उस सरकार के कामकाज के बूते पे अगले बार ज़्यादा मैंडेट के साथ आ गए, इसमें किसी ना किसी को तो आपको क्रेडिट देनी ही होगी। एक मैं जल्दी से और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि मैं कांग्रेस पे आज बात कर रहा हूँ तो उस पर एक और बता दूँ, किसी दिन बीजेपी पे बात करेंगे, किसी दिन सपा पे भी बात करेंगे। 91 to 96 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने तो अब वो एक डिबेट है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उसका एक बड़ा, उस सरकार को चलाने का एक बड़ा क्रेडिट मनमोहन सिंह जी को जाता है, क्योंकि देश एक आर्थिक चुनौतियाँ, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ थीं और उससे देश को उन्होंने निकाला। लेकिन एक चीज़ ये देखिए कि नरसिम्हा राव जी जब 91 में प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस की सीट थी 244, 96 में जब इलेक्शन हुआ तो 140 हो गई थी, 104 सीटें हुई कम हुई थी। और उस समय
आज कोई कुछ कह रहा, आज तो वैसे सब चीज़ों की जड़ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को नहीं बोलते हैं कोई, जवाहरलाल नेहरू और सोनिया गांधी हैं। तो 91 में ना सोनिया गांधी थी, ना प्रियंका गांधी थी और ना राहुल गांधी थे। वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहाँ थे। आप क्यों नहीं चलाए, आप 244 से 140 क्यों आ गए? इसका मतलब आपने पार्टी के स्तर पर कुछ काम नहीं किया था, आपकी पार्टी फेल हुई। और मैं एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि कई लोगों का कहना है ना कि आज की तारीख में अरे राम मंदिर एक मुद्दा मिल गया, राम मंदिर एक मुद्दा मिल गया। अभी ओपन प्लेटफॉर्म में जो हमारे उस समय का बजरंग दल था, एक बड़े कद्दावर नेता है विनय कटियार साहब, वो जो पंचायत आज तक का कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म से वो बोल रहे हैं कि नरसिम्हा राव जी ने मुझे उन, हालांकि ये लोगों ने कहा कि अब वो बता रहे हैं जब नरसिम्हा राव मर गए हैं, कि जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो नरसिम्हा राव ने इनको फोन किया और कहा कि सब ठीक चल रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक चल रहा है, तो अच्छा फिर मैं सो रहा, मतलब कुछ इस तरह की बातें उन्होंने की। तो एक परसेप्शन ये भी है कि नरसिम्हा राव उस समय सो रहे थे। तो अगर बाबरी मस्जिद गिराने से ही बीजेपी आज सत्ता में आ गई है, तो नरसिम्हा राव को भी आ जाना चाहिए था सत्ता में। ये मैंने कहा कि ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं जो आप भी सोचिएगा। अब मैं फिर से मूल प्रश्न पे आ जा रहा हूं, सुष्मिता देव के इस्तीफे पे, क्योंकि चक्कर क्या हो रहा है कि क्यों इस्तीफा दे रहे हैं भाई। G23 एक उनके यहाँ जिसको लोग G23 बोल रहे हैं, मतलब 23 लीडर से मिलके भाई कुछ नेतृत्व से कहा था कि ऐसे 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 चलाइए। तो पहली चीज़ तो यह है कि राहुल गांधी जी को भी समझना होगा, क्या ये G23 आपके दुश्मन है? क्योंकि एक जो जैसे खराब चीज़ें तो तुरंत आप अडॉप्ट करते हैं ना, एक जो बीजेपी की मानसिकता हो गई है कि अगर आप मेरी बात में हाँ नहीं मिला रहे हैं, तो आप राष्ट्रद्रोही। उसी तरह की बातें कुछ को राहुल गांधी जी भी ने भी उस तरह कहीं कि आप जिसको कांग्रेस में बोले वो सब आरएसएस वाले। अरे भाई आप सर्टिफिकेट बांटेंगे कौन आरएसएस और कौन नहीं है, आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले? और अगर कोई आपके हाँ में हाँ ना मिला है, उसके अपना कोई भी इंडिपेंडेंट वो हो, तो वो आरएसएस वाला हो गया। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इस पर भी उनको अंकुश लगाने की जरूरत है। और अब वो 50 साल के नेता, वो कोई बच्चे वाले नेता नहीं रहे, इतने सीनियर हो चुके हैं भाई, इतने बार के पार्लियामेंट वो रह चुके हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, इतनी सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी के, उनको भी अपने इस पर थोड़ा सा जिसको कहते हैं सोच समझ के तोल मोल के बोलना होगा। और क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि आपके कितने स्ट्रांग लोग जा रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा ये सब इत्यादि। सुष्मिता देव की 4 पीढ़ियाँ कांग्रेस में थी। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, विथ ऑल दी वो क्रेडिट टू सुष्मिता देव, बीजेपी में नहीं गई हैं, क्योंकि मैं कुछ वो तृणमूल में गई। और मैं कुछ आपको जल्दी से वो बता दूं, क्योंकि पाने की अगर लालसा होती, कुछ मिल जाए, कुछ मोल भाव होता हो, तो बीजेपी में जाना चाहिए था। त्रिपुरा में जहाँ से वो आती हैं, जहाँ से उनके पिताजी थे, ये भी वहीं से सिलचर से जहाँ से एमपी थी, 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। अब अगला चुनाव 2023 में है, 2 साल बाद है, और वहाँ पे कांग्रेस 2018 में विधानसभा में, ये विधानसभा के भी सदस्य रह चुके हैं 2011 में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इनको वहाँ का तृणमूल कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर फेस होंगे। लेकिन ग्राउंड पे क्या स्थिति वो समझ लीजिए। त्रिपुरा में कांग्रेस 2018 में 59 सीट्स लड़ी थी और सीट आई थी 0, वोट परसेंटेज 1.79 समझ लीजिए। और तृणमूल कांग्रेस जिसको इन्होंने ज्वाइन किया है, वो लड़ी थी 24 सीट 2018 के विधानसभा में, सीट आई थी 0, वोट परसेंटेज 0.3। तो कोई बहुत, शी इज नॉट गॉन टू अ, ऐसी जगह नहीं है कि जहां बीजेपी में चली गए उनको कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं गई है। अगर वो गई हैं तो सोच समझ के, एक लंबी राजनीतिक लड़ाई, एक लंबी विचारों की लड़ाई के वजह से शायद तृणमूल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया। मैं ये इसलिए कह रहा था कि बिना ये जाने लोग सोचने लगा रहे कुछ मिल रहा होगा, तो त्रिपुरा में अभी कुछ मिलने की स्थिति ही नहीं है। लंबी लड़ाई है वहाँ पर। और कारण जो भी हो, जिम्मेदारी तो नेतृत्व को लेनी ही होगी। वो नेतृत्व आज पता ही नहीं लगता कि सोनिया गांधी नेतृत्व हैं कि राहुल जी नेतृत्व हैं, लेकिन राहुल गांधी सोनिया जी के बीच में आपको ये जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। और ख़त्म करने से पहले, कपिल सिब्बल का ये बयान तो अब सही लगता है कि पार्टी इज मूविंग विथ आईज वाइड शट। उनका कहना ये है कि सब लोग यहाँ कहते हैं कि देखिए ओल्डीज, उन्होंने कहे बुढ़े लोग जो हैं कांग्रेस के, ये सब इधर उधर कर रहे हैं और बड़ा चलने नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हैं छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं सब यंगस्टर्स। उनका हेमंत बिस्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, उन्होंने कहा जा रहा है बुड्ढों को, जा रहे हैं यंगस्टर्स। तो ये मेरे हिसाब से कांग्रेस को, अगर कांग्रेस ग्रास के रूप में रहना है,
तो राहुल गांधी को एक बार फिर से ये तय करना होगा कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे, और अगर नहीं बनेंगे तो किसी दूसरे को तुरंत उनको बागडोर सौंप देनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।